चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। हो गया मामा, नाउ ट्यून चेंज। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया प्यारी। समझ गई? समझ रहे हो ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक गुरु के बारे में जिसमें एक स्मार्टफोन से भी ज्यादा फीचर हैं और एक 5 साल से छोटे बच्चे से भी कम दिमाग। कहा जाए तो इसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं है, मगर फिर भी वो गरीबों का सीईओ कहलाता है। तुम्हारा यूट्यूब पे आने का आइडिया कैसे है? आने का आइडिया तो मनोज भैया ही थे। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और कहने को तो ये एक सस्ता टेक्निकल गुरुजी है। एक्टिंग में KRK, ब्लॉगिंग में सौरभ जोशी और मोटिवेशन में मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। और इतना ही नहीं, गिटार लेकर मनोज डे अपने सातों सुरों से बहुत दूर 8वां सुर छेड़ते ही अरिजीत सिंह का बाप बन जाता है। जिसे जो नजरे चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। मेरी तरफ से आप 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 10,000% थिएटर राउंड में आओगे और वहां आकर झंडा गाड़ोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसे कहते हैं आवाज। यस। मनोज डे यूट्यूब टेक्निकल कम्युनिटी का वो नटखट बालक है जिसका दिमाग एक बुलेट ट्रेन से भी तेज है, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि उसने यूट्यूब एल्गोरिथम की सारी चाणक्य नीति को हैक कर लिया है। एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, अभी सुबह सुबह यूट्यूब का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि किसी को पता ही नहीं है और इस पे किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया है और नहीं बनाने वाला है। ठीक है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? अब हो सकता है ये वीडियो बनने के बाद आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और सुबह उठकर नए टॉपिक पर वीडियो बनाने से यूट्यूब अपनी सारी संपत्ति मनोज के नाम कर देगा। कुछ भी, ये बंदा मिसलीडिंग और क्लिकबेट थंबनेल के मामले में YPM ब्लॉग और गौरव जोन का भी बाप है, क्योंकि ये दोनों गधे पैसे लगाकर क्लिकबेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर मनोज डे अपनी जनता को सरेआम चूतिया बनाकर बैंक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए क्लिकबेट करता है। अपना गुरु गलतियों का वो पुतला है जिसमें टैलेंट की भारी कमी होने के बावजूद भी क्लिकबेट थंबनेल और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर अपनी भोली भाली जनता का सरेआम चूतिया काट जाता है। 500 व्यूज पे $1 अर्निंग। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। भाई यूट्यूब पर कई क्रिएटर कह रहे हैं कि शॉर्ट्स का 500 व्यूज पर $1 मिलता है, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। Meanwhile, अब मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दिया था उस वीडियो। तो मैंने बता दिया कि 500 व्यूज पे $1, बट वहां पर कैलकुलेशन करोगे तो 1500 व्यूज पे $1 बनेगा। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा जो है, मान सकते हो कि कैलकुलेशन में मेरा सा रॉन्ग हो गया था, बट 500 और 1500 में ज्यादा का भी डिफरेंस नहीं समझ में आता है। कोई सेंस है इस बात का? देख मनोज, अब अपनी गलतियों पर झाड़ू पोछा करने का कोई मतलब नहीं बनता। 3.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है तेरे, लाखों लोग फॉलो और ट्रस्ट करते हैं तुझ। अगर तू सच में अपनी गलती मानता तो अपनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कब की डिलीट कर चुका होता, बट तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि भैया सबसे बड़ा रुपया। और इतना ही नहीं, आजकल अपने सेक्सी लौंडे के लिए लड़कियां इस कदर दीवानी है कि हर लड़की आज मनोज डे को अपना फ्यूचर हस्बैंड मान चुकी है। आज है वेंसडे और जिनसे मैं मिलने आई हूँ उनका नाम है मनोज डे। क्या बढ़िया था गुरु। रांची वालों के प्रेरणा हीरो हो आप, रांची वालों के प्रेरणा हीरो हो आप, जो दिल को जीत ले वो बाजीगर हो आप। ये तो कुछ मैच ना हुआ। क्या आपको पता है टिकटॉक जैसे शानदार ऐप को बैन कराने के पीछे देश का सबसे इंटेलिजेंट बंदा और कभी ब्रेन ना यूज करने वाले मनोज डे का हाथ था? चल झूठा। अरे अरे रुको जरा, सबर करो, सबूत चाहिए। तो ये रहा सबूत। तो फाइनली टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन हमारे इंडिया पे बैन हो चुका है, जिसके लिए हम लोग बहुत यूट्यूबर्स लोग मुहिम चला रहे थे। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? जिसके लिए हम लोग बहुत यूट्यूबर्स लोग मुहिम चला रहे थे। रुको जरा, क्या टिकटॉक को बैन होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इतना क्रिंज कंटेंट, इतना गंदा कंटेंट वहां पे देखने को मिल रहा था। मनोज डे इंडियन यूट्यूब का वो चमकता सितारा है जो आज टिकटॉक को बुरा भला और क्रिंज बोलकर दूसरे दिन खुद उस पर क्रिंज वीडियो बनाता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार? एक बात कहूं, निठल्ले बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ करो, टिकटॉक वीडियोस बनाओ, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं था।
बिल्कुल सही कहा भाई ने, टिकटॉक पर मुजरा और यूट्यूब पर बकचोदी करने से ही तो लाइफ सेट होती है, बाकी बचे इंजीनियर डॉक्टर आईएएस वो तो चूतिए हैं। और इतना ही नहीं, यूट्यूब से मिली पहचान और जिंदगी का हर मजा मारने के बावजूद भी मनोज डे का मन अब भी कहीं उदास था, इसलिए गिटार उठाकर अरिजीत सिंह का मार्केट खाने के लिए मनोज डे इंडियन आइडल बनने निकल पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई नगमा कहीं गूंजा कहां दिल में ये तू आई। दोस्तों ये मेरे चैनल का पहला वीडियो था, अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल और आपको YouTube इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देगा 1 करोड़ पर मंथ।